लेग्स जो है वो आपके पिलर्स हैं, जितने लेग्स स्ट्रांग होंगे उतनी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंड्योरेंस बढ़ेगी, आपकी जो है ट्रेनिंग करने का स्टैमिना बढ़ेगा। और आप सोच लें कि एक बिल्डिंग खड़ी है, जब तक उसके पिलर स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो खड़ी नहीं हो सकती। तो ये आपकी बिल्डिंग के पिलर्स हैं। सबसे ज़्यादा ख्याल आपने इस मसल का रखना है, क्योंकि ये एक बड़ा मसल है, इसलिए इसको दो दिन में हिट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमीद इब्राहिम खान हियर और मैं आपके साथ मौजूद हूँ नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि एक भाई ने मुझे टॉपिक भेजा हुआ है, दो लोगों ने मुझे टॉपिक भेजे, एक तो आप इजी डाइट प्लान के बारे में बताएं नॉर्मल बिगनर्स के लिए, और एक बिगनर्स ट्रेनिंग रूटीन बताएं, इजी ट्रेनिंग रूटीन जो होता है, एक नॉर्मल ट्रेनिंग रूटीन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये दोनों टॉपिक को मैं मर्ज कर दूँ, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है और इसमें कोई इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा आज के इजी डाइट प्लान और ट्रेनिंग प्लान कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले तो भाई आपने जो है, अगर आपने जिम ज्वाइन किया है, आप बेसिक्स कर चुके हैं, उसके बाद आपने अपने मसल्स को डिवाइड करना है, आपने मसल्स गेन करने हैं। ऑब्वियसली आप मसल गेन करने गए, अगर आप वेट गेन करने गए हैं तो आप जो है ईजी जो ट्रेनिंग रूटीन है वो ये बनाएंगे कि मंडे को आपने चेस्ट करना है, ट्यूसडे को आपने बैक करनी है, वेडनेसडे को आपने बैक थाई करनी है, सही है, उसके बाद थर्सडे को आपने शोल्डर्स करने हैं, फिर फ्राइडे को आपने बाइसेप और ट्राइसेप साथ हिट करने हैं, फिर इसी तरह सैटरडे को आपने फ्रंट थाई करनी है। थाई में आपको दो दफ़ा इसलिए करा रहा हूँ कि थाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेग्स जो है वो आपके पिलर्स हैं, जितने लेग्स स्ट्रांग होंगे उतनी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंड्योरेंस बढ़ेगी, आपकी जो है ट्रेनिंग करने का स्टैमिना बढ़ेगा। और आप सोच लें कि एक बिल्डिंग खड़ी है, जब तक उसके पिलर स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो खड़ी नहीं हो सकती। तो ये आपकी बिल्डिंग के पिलर्स हैं। सबसे ज़्यादा ख्याल आपने इस मसल का रखना है, क्योंकि ये एक बड़ा मसल है, इसलिए इसको दो दिन में हिट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये आपका बिगनर्स का हो गया ट्रेनिंग प्लान, जो मसल गेन करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जो लोग वेट लॉस के हवाले से भी आए हुए हैं, उनको मसल्स भी करने हैं, फैट भी कम करना है, पेट भी कम करना है, तो वो क्या करें, वो सेम जो है वो मंडे चेस्ट करें, ट्यूसडे मंडे को चेस्ट करें, चेस्ट के साथ जो है वो स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा कार्डियो करेंगे। कार्डियो करने में जैसे ट्रेडमिल कर ली, इलेप्टिकल कर लिया, साइकिल कर लिया, उसके बाद फिर जो है उन्होंने थोड़ा सा टमी हिट करना है, जैसे कि लेग रेजेस, क्रंचेस, साइड डंबल्स, साइड किक्स, ये ट्रेनिंग कर ली, बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये चार चीज़ें करने के बाद जो है वो एक मसल हिट हो गया उनका, चेस्ट का मसल कर लिया। तो ये इस तरह जो है उनका वेट भी लॉस होगा, उनकी वेस्ट भी कम होगी, वेट भी कम होगा और मसल की जो है ना डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे जो है वो आपका बैक थाई, थर्सडे जो है वो आपका जो है शोल्डर, बाइसेप, फ्राइडे बाइसेप ट्राइसेप, सैटरडे फ्रंट थाई, इस तरह लेके चलना। और इन सब के साथ स्टार्टिंग में जो वेट लॉस वाले हजरात हैं वो कार्डियो ऐड करें, और जिन्होंने टोटल वेट लॉस करना है, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनके लिए फिर पूरा डिफरेंट सिनेरियो है, वो अभी मसल हिट के ना करें, वो मिक्स वर्कआउट करें, सही है, तमाम एक्सरसाइज डेली बेसिस पे दो दो सेट्स करेंगे, और उससे पहले वो स्टार्टिंग में कार्डियो करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा टमी का वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न करने की ट्रेनिंग्स करेंगे। उसके बाद उन्होंने सिर्फ मसल्स को जो है आपके, जब आप इस तरह का कार्डियो करते हैं और ज़्यादा एब्डोमिनल हिट करते हैं, और जब फैट बर्निंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कार्डियो वस्कुलर वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी सैगी हो जाती है। वो सैगी ना हो इसलिए आपने जो है मिक्स वर्कआउट करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे, ताकि आपकी बॉडी जो है लूज ना हो, लटकी हुई ना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब आप आ जाएं डाइट प्लान पे, नॉर्मल इजी डाइट प्लान क्या है। इजी डाइट प्लान ये है कि भाई सबसे अच्छा तरीका है अपने बॉडी वेट को उसमें LBS में कन्वर्ट करें, ठीक है, उतने ग्राम प्रोटीन, उतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और उतने ही ग्राम फैट्स आपने लेने, आप फिट रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप हेल्दी लाइफस्टाइल में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड ये कि अब जैसे आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, मसल्स गेन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, तो भाई आप ब्रेकफास्ट में दलिया ले लें, पीनट बटर लें, ब्राउन ब्रेड लें, और चीज़ ऑमलेट ले लें, और साथ में जो है वो ब्लैक कॉफ़ी ले लें,
या कोई शेक वगैरह ले लें अगर बहुत ज़्यादा स्किनी है तो, उसके साथ जो है फिर आपने दो घंटे, हाँ फिर दो दो घंटे से आपने मील लेनी होगी क्योंकि आप वेट गेन भी कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं। उसके बाद आप जो हैं वो बेक पोटैटो या स्वीट पोटैटो ले लें। फिर दोपहर का जो खाना होता है उसमें आप जो है वो एक लाल आटे की दो रोटी और कीमा ले सकते हैं बीफ का, ठीक है। फिर शाम के टाइम पे जो है आपने बेक पोटैटो या स्वीट पोटैटो थोड़े लेने और केले खा के जो है फिर आपने एक घंटे बाद ट्रेनिंग कर लें। ट्रेनिंग करने के फौरन बाद जो है आपने जो है फिर से थोड़े एग वाइट्स लेने और बेक पोटैटो या स्वीट पोटैटो ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर रात के खाने में आप राइस के साथ चिकन ले लें, राइस के साथ कीमा ले लें, तो आपका वेट भी गेन होगा और मसल भी गेन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप वेट लॉस के लिए आए हैं, वज़न कम करना है, तो आपने टोटल कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बंद करने, सही है। माइनर कार्ब्स आप ले सकते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कार्ब। आपने प्रोटीन डाइट लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है प्रोटीन डाइट पे, और वो इस तरीके से कि जैसे नाश्ते में आपने फास्टिंग करी, फास्टिंग करके थोड़ा सा आपने कार्डियो कर लिया, कार्डियो करने के बाद आपने एग वाइट और ब्लैक कॉफ़ी ले ली, ठीक है, ये भी बड़ा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने ग्रीन सैलेड ले ली। फिर थर्ड मील में आपने जो है दोपहर खाने में माइनर से राइस ले लिए थोड़े से, और अप्रॉक्स 150 grams या 100 grams आपने राइस ले लिए। 100 grams मेरे ख्याल में हार्ड इनफ है, 50 grams और 100 grams के करीब, 100 grams इतने से आपने चावल लेने हैं, और उसके साथ जो है आपने चिकन लेनी है बॉयल। फिर शाम को आपने ग्रेपफ्रूट का जूस, अनार का जूस, कोई भी ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे, ठीक है। फिर आपने ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करने के बाद जो है आपने एग वाइट्स खाने हैं, 6 egg whites आप खा सकते हैं उसके बाद, या 4 egg whites आप खा लें। फिर रात के लिए आपने टोटल ना राइस लेना है ना कोई कार्ब लेना है, आपने जो है फुल प्रोटीन लेना है, या तो आप फ्री फिश ले लें या चिकन ले लें, ग्रिल्ड फिश ले लें, बॉयल फिश ले लें, स्टीम फिश ले लें, इसी तरह चिकन को भी कर सकते हैं, चिकन ले लें, तो इससे आपका वेट तेज़ी से डाउन होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि आपने सैलेड और फ्रूट्स को ऐड किया है जिसकी वजह से आपको जो है वो वीकनेस नहीं होगी, जाहिर है कि आप एक अच्छे मतलब मुरगन खाने से जब नॉर्मल खाने पे आते हैं तो लोगों को थोड़ी सी वीकनेस फील होती है, वो वीकनेस नहीं होती, और बेसिकली वो आपकी बॉडी जो है डाइट प्लान आपका चेंज हो रहा होता है, बॉडी को आदत नहीं होती, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि हमें कमज़ोरी हो रही है, उसको आपने बर्दाश्त करना है, और फिर इंशाल्लाह 20 दिन बाद आप उस रूटीन में आ जाएंगे, आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी उस डाइट प्लान की। तो ये थे गाइस बेसिक डाइट प्लान और बेसिक ट्रेनिंग्स मैंने आपको बताई हैं। ये स्पेसिफिक मैंने जो है ये नहीं कहा कि ये सब यही होता है, देखें अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, एक्टोमोरफ, मेसोमोरफ, एंड्रोमोरफ, तो ये बहुत सारी टाइप्स हैं बॉडी, अब इन टाइप्स के हिसाब से ट्रेनिंग होती हैं। कोई स्किनी है तो उसको कैसे करानी है, कोई मीज़ो है मतलब लंबा चौड़ा है उसे कैसे ट्रेनिंग करानी है, कोई बहुत ही गोल मटोल है, मोटे हैं तो उनको कैसे ट्रेनिंग करानी है, तो इस तरह फिटनेस के डिफरेंट गोल्स होते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये एक बेसिक वर्कआउट रूटीन है जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर आएंगे, और ये बेसिक डाइट मैंने आपको बताई इससे आपको रिजल्ट ज़रूर आएंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी है, बहुत बड़ा एक जो है वो है नॉलेज है। तो अच्छा ये है कि अच्छा ट्रेनर चूज़ करें और उसके अंडर सुपरविजन काम करें और उसके अंडर सुपरविजन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो गाइस मेरा लिंक आ रहा है यहाँ पे इंस्टाग्राम का, आप चेक कर सकते हैं, इस पे आप मुझे अपने टॉपिक डीएम कर सकते हैं, और फिर आपका भाई हाज़िर है उन टॉपिक्स को लेके। आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सबके टॉपिक्स मेरे पास आए हैं, अब मैं एक साथ सबके टॉपिक नहीं बता सकता, अब थोड़े थोड़े करके मैं सबके बता रहा हूँ, मेरे पास सबके टॉपिक लेके हैं। आप सब ने जिसने मुझे मैसेज किए इंस्टा और यूट्यूब पे, उन सबको इंशाल्लाह मैं उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा, बहुत जल्द करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता करता जाऊँगा। स्टे ट्यून रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसी तरह मेरी तमाम वीडियोज़ पूरी पूरी देखा करें तो आपको फ़ायदा बहुत होगा उसका। तो आपके भी टॉपिक्स आने वाले हैं तो मेरे चैनल पे एक्टिव रहें। थैंक यू।